हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 9th का। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था। फर्स्ट टॉपिक था एज ऑफ सोशल चेंजेस, एज ऑफ सोशल चेंजेस, लोगों की लाइफ में कैसे चेंजेस आई थी, तो हम लोगों ने वो देख लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन का, रिवॉल्यूशन हुआ कैसे। ठीक है, तो अगर वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना है वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक हमारा जो टॉपिक 2 है द रशियन रिवॉल्यूशन, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या था, जो रशिया थी ना वहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट चल रहा था। रशिया में कौन सी गवर्नमेंट चल रही थी? सोशलिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी, सोशलिस्ट लोगों के। अब सोशलिस्ट क्या है, सोशलिज्म क्या है, रेडिकल लिबरल्स क्या है, पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं रशियन एम्पायर उस टाइम का कैसा था। तो रशियन एम्पायर ना 1914 की बात हो रही है, जब यहाँ जार निकोलस का रूल होता था। जार निकोलस का बुक अपना अपना लोग ओपन करके रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 1914 के टाइम पर रशिया में जार निकोलस टू का एम्पायर हुआ करता था, राज हुआ करता था। और उस टाइम रशिया में जो अभी के जो कंट्री आते हैं, जो स्टेट्स आते हैं, तो उस टाइम कौन कौन थे? तो उस टाइम फिनलैंड था, पोलैंड था, फिर मॉस्को, मॉस्को के अगल बगल का एरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारा आधा था और भी है। ठीक है, बुक में आपके दिया हुआ है एस्टोनिया, लिथुएनिया, लताविया, तो ये सारा आधा था उस टाइम पर। चार तरफ से घिरा हुआ था रशिया हमारा, जॉर्जिया से, पैसिफिक ओशन से, अर्मेनिया, अजरबैजान। ऐसे अर्मेनिया, अजरबैजान जो है आपका, जॉर्जिया, तीनों आपका ऐसे तुर्की हो गया, ऐसे आपका रशिया हो गया, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इस तरीके का है। तो वहां पर रशिया में क्या थी ना, रशिया में बहुत सारे रिलीजन था, लेकिन रिलीजन भी वहां पर बटा हुआ था। रिलीजन में, रिलीजन के बेसिस पर लोगों को वैल्यू दिया जाता था। लाइक वहां पर जो ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, वहां पर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हुआ करते थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ठीक है, इन लोगों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था एज कंपेयर टू मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड अदर क्रिश्चियंस। अदर क्रिश्चियंस, इन लोगों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था, ऑर्थोडॉक्स वाले को। तो ये थी उस टाइम की रशिया की सोसाइटी 1914 के टाइम पर। तब वहां पर क्या इकोनॉमी चेंजेस थी, क्या सोसाइटी में चेंजेस हो रहा था, ये सब देखेंगे। तो रशिया में ना 20वीं सेंचुरी के पहले में, लाइक मान लो 1890s के आसपास के टाइम पे, मान लो तो 20वीं सेंचुरी में तो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होना शुरू होगा। अभी 1890s के टाइम का देखो क्या है, इससे पहले के टाइमलाइन पे आ जाओ, इससे पहले के टाइमलाइन पर पूरा जो पॉपुलेशन था ना यूरोपियन कंट्रीज का, रशिया ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियन कंट्रीज क्या थी ना, पूरी की पूरी 85% लगभग, मैक्सिमम लोग 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, खेती पर, खेती करते थे, उसी से कमाते थे, उसी से खाते थे। थोड़ा अमाउंट इनके पास बचता था, मतलब अपना सेल्फ कंजम्पशन ये लोग कर लिए, सेल्फ कंजम्पशन कर लिए अपना। अब सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद जो बचा उसको बेच दिया मार्केट में। तो ये जो मार्केट में बेचने वाला एक्टिविटी था ना, मार्केट वाला काम, सबसे ज्यादा रशिया में होता था। रशिया में एग्रीकल्चर ज्यादा लोग करते था, अपना सेल्फ कंजम्पशन के बाद मार्केट के लिए ज्यादा बचता था, तो इसलिए रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था उस टाइम पर एग्रीकल्चर में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम क्रॉस होता गया, वैसे रेलवे का इन्वेंशन आ गया 1890s के पास में। 1890s के टाइम पर जो हमारा था ना रेलवे आ गया, तो रेलवे जब आया तो इंडस्ट्री वगैरह बढ़ने लगा। अब रेलवे क्या करेगा, रेलवे क्या करेगा, जितना भी आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, कम टाइम में पैसा भी कम लगेगा और फास्ट भी हो जाएगा काम। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को यूज करेगा, यूज करके वहां से
फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट कर देगा। तो जितना जल्दी काम होगा उतना ज्यादा गुड्स का अमाउंट निकलेगा, जितना ज्यादा गुड्स का अमाउंट निकलेगा उतना ज्यादा इंडस्ट्री आपकी रिच होने लगेगी, और जितना ज्यादा रिच होगा, वैसे अगर एक यूनिट है इंडस्ट्री रिच हुआ तो अब दूसरा इंडस्ट्री खुलेगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, मल्टीपल होता जाएगा। तो क्या कह रहा है कि पहले एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियंस पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट, पहले लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, और एम्पायर में कल्टीवेटर में सबसे ज्यादा, जैसे बताया मैंने, रशिया था एक्सपोर्टर सबसे बड़ा था। तो दो एग्जाम्पल दिया गया जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी अच्छा बेस था इंडस्ट्रीज का। एक है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जिसका आगे जाके नाम चेंज हो जाएगा पेट्रोग्रैड में, इसी यही जो है हमारा सेंट पीटर्सबर्ग, आगे जाके पेट्रोग्रैड में हो जाएगा। खैर वो तो बाद में पढ़ना है आपको, बाद के टॉपिक में पढ़ना है। तो सेंट पीटर्सबर्ग, और दूसरा था मॉस्को, ये दो जगह था जहां पर काफी हाईली इंडस्ट्रियल बेस्ड था, एकदम प्रोमिनेंट, एकदम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज था। तो क्या है कि जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, रॉ मटेरियल आना बढ़ना शुरू हुआ, तो वहां पर कोल का प्रोडक्शन, आयरन स्टील का, सब का प्रोडक्शन हायर होने लगा, हायर होने लगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में आने लगेंगे, इंडस्ट्रीज में आने लगेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में काम करने आ गए, यानी कि ज्यादा लेबर बढ़ेगा, तो लेबर कहीं ना कहीं सेटल होगा ना, तो ये सेटलमेंट कहाँ बसेगी, ये सेटलमेंट आपकी जहां पर आपको इंडस्ट्रीज रहेगा उसी के अगल बगल बसेगी। अब जिसका देखिए, जैसा बगल में, गांव के बगल में ही है, एकदम सटा हुआ है इंडस्ट्री, तो वो तो आ जाएगा, लेकिन जिसका ज्यादा दूर है वो क्या करेगा, वो सेटलमेंट करेगा। आकर सेटलमेंट करने की वजह से कंजेस्टेड होगा सिटीज में, कंजेस्टेड होगा तो लोगों के हेल्थ खराब होगा, हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी फैक्टर थी। अब क्या हुआ था ना कि इंडस्ट्रीज में, चूंकि कोई काफी ज्यादा फेमस इंडस्ट्रीज है तो कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, तो जो फेमस इंडस्ट्रीज थी, छोटी इंडस्ट्रीज थी, इसी वजह से यहाँ के लेबर में भी डिवीजन था, यहाँ के लेबर में भी डिवीजन था। यहाँ के जो लेबर थे ना सेंट पीटर्सबर्ग के, मेटल वर्कर लोग, जो मेटल का काम करते थे, मेटल वर्कर लोग, ठीक है, ये लोग अपने आप को बाकी जगह पर जो लेबर है उनको उनके मुकाबले अपने आप को सुपीरियर मानता था। क्या मानता था? सुपीरियर, बोलता था कि हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग में काम कर रहे हैं, हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग के मेटल वर्कर हैं, तो हम लोग बहुत ऊंचे हैं। ऐसा था भी उस टाइम, ये सिस्टम था ना कि जो काफी प्रोमिनेंट एरिया पर काम कर रहा है तो उसका क्लॉथिंग भी अलग होगा, उसकी वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव रहेगी, ठीक है, वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव रहेगी। तो इस वजह से, इस ये भी वजह थी कि यहाँ का लोग मानता था अपने आप को काफी सुपीरियर मानता था। अब पहला वजह तो है, काफी प्रोमिनेंट है भैया, प्रोमिनेंट है तो ज्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल है, क्लॉथिंग है, सबके वजह से यहाँ का लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर मानता था। हाँ, भले इतना डिवीजन था, लेकिन फिर भी इतना डिवीजन होने के बाद भी ये सारा लोग मिलकर नोबल्स के अगेंस्ट लड़ा था। अब क्या हुआ था, नोबल्स का क्या मामला था वो देखते हैं। तो क्या होता था ना, गाँव के साइड में खूब किसानी करवाया जाता था लोगों से, खूब रगड़ के काम करवाता था, ठीक है, खूब काम करवाता था। अब काम करवाता था तो लोगों में क्रोध बन गया। अभी गांव का साइड का बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, कंट्री साइड का। तो कंट्री साइड में पीजेंट्स लोग हुआ करते थे, पीजेंट्स उनको बोलते हैं जो अनएडुकेटेड फार्मर्स होते हैं उनको हम लोग पीजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पीजेंट्स लोग से खूब काम करवाया जाता था, और सारा प्रॉफिट जाता था किसको, नोबल्स लोग को। तो ये लोग काफी से नोबल्स लोग से गुस्सा रहता था पीजेंट्स लोग। फ्रांस में कैसे था कि फ्रांस में पीजेंट्स लोग उसका रिस्पेक्ट करता था नोबल्स लोग का, लेकिन यहाँ रशिया में क्या था कि पीजेंट्स नोबल्स लोग से गुस्सा था, चाहता था कि इसका जो जमीन है ना, नोबल्स का जमीन, वो ये लोग को मिल जाए, ताकि ये लोग अपना खुद खेती करे, खुद कमाए, ठीक है, खुद खेती करे, जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है हो जाए इसका सेल्फ प्रोडक्शन एंड सेल्फ कंजम्पशन, जो भी प्रॉफिट हो इसी लोग के पास हो, जो भी कंजम्पशन हो इसी लोग का हो, जो भी प्रोडक्शन इसी लोग का हो, ऐसा चाहता था। तो इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्राइक होने लगा, काफी मारपीट हुआ दोनों के बीच में। लगभग 1902 में सबसे पहले तो साउथ रशिया में हुआ था, साउथ रशिया में हुआ, लेकिन धीरे धीरे 3 साल में पूरा पूरा एशिया, पूरा रशिया में फैल गया।
3 साल में, जस्ट 3 साल में पूरे एशिया में फैल गया, पूरे रशिया में, सॉरी पूरे रशिया में फैल गया कि बस जो नोबल है या फिर जो लैंडलॉर्ड है उसको मारो, उसकी जमीन को रख लो। इन लोगों में क्या होता था ना, पीजेंट्स लोग में, इन पीजेंट्स लोग में कम्यून होता था, हेड होता था एक, जिसको मीर बोलता था। तो मीर का क्या काम था कि एक ड्यूरेशन फिक्स कर देता था, लाइक 1 साल पे या 2 साल पे या 5 साल पे, ठीक है, ऐसे ड्यूरेशन फिक्स किया जाता था। उसके उसमें क्या होता था कि इस ड्यूरेशन के पूरा होने पर लैंड को फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लैंड को, क्या किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ फैमिली, नीड्स ऑफ फैमिली, लोगों की जैसी जरूरत वैसे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये था गांव के साइड में। लेकिन क्या था ना, यहाँ तो लोग पूरा मार अपना मार रहा है, छीन रहा है, मार रहा है, छीन रहा है, ऐसे कर रहा था। लेकिन जो शहर में था ना, शहर में सीन थोड़ा अलग था। शहर में देखो क्या, मेटल वर्कर्स के जो भी वर्कर्स थे उस टाइम, लेबर के बीच में वेरिएशन था, कुछ अपने आप को सुपीरियर मानता था और अगले को इन्फीरियर मानता था। लेकिन फिर भी ये लोग क्या था ना, ये लोग सब मिलकर एसोसिएशन बनाया हुआ था, अपना एसोसिएशन बनाया हुआ था, वर्कर्स एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का ये काम था कि ये लोग एक लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सारा पैसा ये लोग खुद अपना अपना जुटा कर पैसा यहाँ फंड करेगा, जमा करेगा, फिर उस पैसे को जब भी किसी भी पर्सन को नीड, लाइक मान लो 4 पर्सन है, 4 पर्सन है, चारों पर्सन मिलकर इसमें डेली 10-10 रुपये जमा करता है, ठीक है। अब डेली 10-10 रुपये जमा कर रहा है, 40 रुपया हो गया महीने का, हो गया कितना, एक मंथ का अगर ले लें हम तो एक मंथ का हो गया 40 × 30, यानी कि 120 रुपया डेली 10-10 रुपया जमा कर, 120 रुपया। अब उसमें क्या था, जिसको भी जरूरत पड़ा, लाइक इसमें से ये 4 पर्सन में से कोई एक पर्सन है, उसको इस 120 रुपये की जरूरत पड़ गई, तब ये 120 रुपया इसको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद से जब इसके पास पैसा होगा तो मतलब ये ऐसे ही 10-10 रुपया करके डेली जमा करता जाएगा और इसका कर्जा उतर जाएगा। तो इस तरीके से एसोसिएशन वर्क करता था। ये एसोसिएशन ने क्या किया कि अब अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप तो चला ही रहा था, साथ ही साथ स्ट्राइक करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, खराब वर्किंग कंडीशन की, क्योंकि ऐसा था ना कि जो इंडस्ट्रीज था उस टाइम पर, वो इंडस्ट्रीज में कुछ गवर्नमेंट का था, कुछ गवर्नमेंट का था आपके, तो कुछ था प्राइवेट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट तो ठीक था, अपना कानून के हिसाब से चलाती थी, मिनिमम वेजेस भी देती थी, प्रोवाइड करती थी, मिनिमम वेजेस भी प्रोवाइड करती थी और लिमिटेड आवर वर्क कराती थी, कम से कम काम मतलब ये फिक्स कर देती थी कि इतना काम करना है बस। प्राइवेट वाला क्या करता था कि अनलिमिटेड काम करवाता था, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करवाता था। और पैसा भी उस हिसाब से अनफेयर वेजेस देता था, उस हिसाब से पैसा भी नहीं देता था लोग को। तो ये रीजन था प्राइवेट और गवर्नमेंट में कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो इसी वजह से जो खराब वर्किंग कंडीशन कर दिया ना, तो इस वजह से लेबर लोग भड़क गया, भड़क के स्ट्राइक करना शुरू किया। तो बुक में देखिए नोट है कि स्ट्राइक शुरू हुआ था सबसे पहले कपड़े के इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज में 96 और 97 के टाइम पर। उसके बाद से फिर मेटल इंडस्ट्री में हुआ स्ट्राइक, हुआ सबसे पहले 96 से 97 में, कहाँ हुआ, टेक्सटाइल वाले इंडस्ट्रीज में। उसके बाद से फिर मेटल वाले इंडस्ट्रीज में, मेटल वाले इंडस्ट्रीज में 1902 के टाइम पर स्ट्राइक होना शुरू हो गया। अब एक को देखेगा तो इनकरेज मिलेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो ये था आपका पहला टॉपिक, होप आपको समझ में आ गया कैसे लेबर लोग के मन में, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के खिलाफ क्रोध भर गया था, एंगर भर गया था। तो इसी तरीके से एंगर भर गया क्योंकि वर्किंग कंडीशन खराब करके रखे हुआ था, जिस वजह से लोग काफी उससे नाखुश हो रहा था, लगातार स्ट्राइक करते जा रहा करते जा रहा। गांव में तो हमने देखा कि पीजेंट ने ओवरटेक कर लिया था, पीजेंट्स ने क्या कर लिया था, ओवरटेक कर लिया था किसको, नोबल्स लोग को। और शहर में लेबर ने कर लिया किसको, प्राइवेट इंडस्ट्री वाले लोगों को। तो इस तरीके का वहां पर इकोनॉमी चल रहा था। पहले इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर गया इंडस्ट्रीज पर जब रेलवे का एक्सपेंडेशन हुआ, रेलवे जब भरना शुरू हुआ, रेलवे भरा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रीज बढ़ते गया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया लोग कहाँ, इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये उस टाइम की इकोनॉमी थी। और सोसाइटी तो बता ही दी कि रिलीजन के बेसिस पर लोगों को वैल्यू मिलता था। तो होप पहला लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म फैला कैसे,
अब कि रशिया में, रशिया का सॉरी सोशलिज्म इन रशिया कैसे फैला, रशिया में सोशलिज्म वो देखो, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी था ना 1914 के पहले, सबको इलीगल बोल दिया ज़ार निकोलस ने, बोला कि सब का सब इलीगल है। क्या हुआ था कि 1898 के टाइम पर सोशलिस्ट पार्टी था एक, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जिसको कार्ल मार्क्स, एक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी 1898 के टाइम पर था। ये लोग कार्ल मार्क्स के आइडिया से काफी ज्यादा प्रेरित था, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इसका कहना था कार्ल मार्क्स का, सब मिलकर उगाओ सब मिलकर खाओ, ओवरऑल प्रोडक्शन ओवरऑल बेनिफिट, सब मिलके खाओ सब मिलके बेनिफिट पाओ, सब उगाओ सब, सबका साथ सबका विकास, ऐसा मान लेते हैं। कार्ल मार्क्स का क्या आइडिया था, सबका साथ सबका विकास। तो इसी बेसिस पर वर्क कर रहा था कौन, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। वर्कर पार्टी कहने का मतलब है कि वर्कर्स लोग का एसोसिएशन था, लेबर लोग का एसोसिएशन था, ठीक है। तो ये लोग कर रहा था, हालांकि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, इट सेट अप अ न्यूज़पेपर मोबिलाइज वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड टाइप। क्या था कि इलीगली, चूंकि अब ज़ार निकोलस ने तो बोल दिया कि 1914 के पहले जो भी है सब इलीगल है, ये लोग क्या करता था, ये लोग न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज कराता था, अपना न्यूज़पेपर निकालता था, लोग रैली कराता था, ये सब करके ये जो कार्ल मार्क्स का आइडिया है ना, सबका साथ सबका विकास, इसको प्रमोट करता था कि सब लोग मिलकर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा बांट लेंगे। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ड दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पॉलिटिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। क्या था ना, लोगों का मानना था कि जो पीजेंट्स है बताते कि पीजेंट्स में मीर था, मीर क्या कर रहा था कि एक पीरियडिकली डिवीजन करते जा रहा था लैंड को अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ फैमिली। तो इस वजह से लोगों का मानना था कि जो पीजेंट्स है ना, ये सोशलिज्म का अच्छा यूज कर रहा है, तो अगर रशिया को डेवलप कराना है तो इसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, मेन फोकस करना पड़ेगा पीजेंट्स के ऊपर, पीजेंट्स की लाइफ कैसी है इस पर फोकस करना पड़ेगा। सो सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट साइड्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। तो क्या हुआ, मेन फोकस किस पे हो गया, पीजेंट्स पर। तो अब पीजेंट्स को देखना है, तो कुछ सोशलिस्ट ने मिलकर एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम रख दिया सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कब बना ये पार्टी बना 1900 के टाइम पर, ठीक है। तो सोशलिस्ट ने ये पार्टी बनाया और इसमें पीजेंट्स के राइट्स के लड़ने लगा, क्योंकि इन लोगों को पता था कि मेन फोकस अगर पीजेंट्स पे करेंगे तो ज्यादा हम लोगों को पॉपुलैरिटी मिलेगी। अब पीजेंट्स के राइट पर लड़ने लगा, पीजेंट्स का क्या डिमांड था कि ट्रांसफर किया जाए, क्या, नोबल्स का लैंड ट्रांसफर किया जाए, किसको, तो पीजेंट्स लोग को, ठीक है। ये था, तो इसी मोटो पर इसी एम पर इसी बेसिस पर एसपीडी एसआरपी आपका वर्क कर रहा था। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स, लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वर पुअर एंड अदर्स रिच, सम वर्कड एज लेबर्स व्हाइल अदर वर कैपिटलिस्ट हू एम्प्लॉयड वर्कर्स, गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो ये जो पार्टी थी ना रिवोल्यूशनरीज की, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, इससे पूरा का पूरा डिसएग्री करता था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि लेनिन का था, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स पार्टी, जो लेनिन का पार्टी था, ठीक है। पहला वाले टॉपिक में पढ़ा है लेनिन का ये पार्टी था, तो ये पूरा का पूरा डिसएग्री करता, बोलता कि नहीं भैया आप ऐसा नहीं करोगे, खाली पीजेंट्स को ही आप पूरा का पूरा फोकस किए हुए कि नहीं पीजेंट्स को हर हक मिलना चाहिए, तो ऐसा गलत है, क्योंकि सब लोग यूनाइटेड तो है नहीं, कुछ अमीर लोग है पीजेंट्स में भी, कुछ अमीर है कुछ गरीब पीजेंट्स है, अगर हम लोग गरीब पीजेंट्स पर ध्यान देंगे तो अमीर पीजेंट्स को पेट पर धक्का पड़ेगा, और अमीर पीजेंट पर ध्यान देंगे तो गरीब को, तो सबको साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई पावरफुल है कोई पावरफुल नहीं है, तो डिफरेंशिएशन है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्लादिमीर लेनिन हू लेड द बोल्शेविक ग्रुप थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर।
अदर थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. कुछ लोगों का मानना था ना कि ये जो लेनिन का जो पार्टी था बोल्शेविक पार्टी, कुछ लोगों का मानना था कि इसको ऐसा किया जाए, ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जो भी लोग, जो भी वर्कर जितने भी वर्कर है या जितनी भी एसोसिएशन है वर्कर्स की, जितनी भी ग्रुप है वर्कर की, जो ज्वाइन करना चाहे पार्टी को वो आकर ज्वाइन कर सकता है. उसके बाद से इनके ग्रेवियंसेस को, इनके जो मुद्दे हैं, इनके मैटर्स हैं, उन पर ये पार्टी लड़ेगी, उन पर ये लोग एक्ट करेगा, ये मानना था. तो ये सोशलिज्म ऐसे फैला, समझ में आया. पार्टी लोग ने सपोर्ट किया वर्कर्स को, जिसमें जो लेनिन का पार्टी था उसने बोला कि जिसको भाई आकर मिलना है हमारे साथ मिल सकता है. क्यों? क्योंकि इसका मानना था कि सोसाइटी में कुछ अमीर है तो कुछ गरीब भी है, कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा कम, कोई आगे है तो कोई पीछे, ऐसे वर्कर का डिवीजन है, यूनाइटेड नहीं है. तो इसलिए इसने बोला कि जिसको आकर मिलना मिले. और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने क्या बोला कि हमको पीजेंट्स के लिए लड़ना है, पीजेंट्स का हक दिलवाना है हमको, ठीक है. और ये जो पार्टी था SDW पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, इन लोगों का मानना था कि कार्ल मार्क्स ने बोला है जो वही करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, सब मिलकर सोसाइटी को चलाएंगे. तो ऐसा ऐसा सिस्टम होने लगा वहां पर. अ टर्बुलेंट टाइम, टॉपिक नंबर 2.4, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन. Russia was an autocracy unlike other European rulers. Even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. क्या हुआ था ना, बाकी यूरोपियन रूलर्स क्या थे कि 20th सेंचुरी आते आते तक पार्लियामेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, वो लोग पार्लियामेंट के अंडर में चला गया था. लेकिन Tsar ऐसा बंदर था ना, उसने बोला कि ना कुछ भी हो जाए हम पार्लियामेंट के अंडर में तो नहीं जाएंगे. तो 20th सेंचुरी आने के बाद भी जो Tsar Nicholas था उसने पार्लियामेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो अपने आप को ऑटोक्रेटिक ही बनाए रखना चाहता था. लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. लिबरल्स उसके अगेंस्ट था ज़ार के. टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरीज दे वर्क्ड विद पीजेंट एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहां पर बात आई कॉन्स्टिट्यूशन की, मेन बात कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हर एक को इंसाफ मिलता है. तो लिबरल्स ने क्या किया, जितनी पार्टी का मैंने नाम बताया ना आपको इससे पहले, उस सारे पार्टी के साथ लिबरल्स लोग अटैच होने लगा, अटैच होकर डिमांड करने लगा कॉन्स्टिट्यूशन की, कि अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट. अब इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, जदीदिस्ट लोग. रशिया में जो भी मुस्लिम एम्पायर था ना, मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम सल्तनत, उसको बोलते हैं जदीदिस्ट, जदीदिस्ट, ठीक है. तो ये लोग अब इसको सपोर्ट करने लगा लिबरल्स लोगों की, हाँ भैया ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि उन लोगों को चाहिए था कि मेरा इस्लाम ग्रो करे. ज़ार निकोलस के टाइम पर इस्लाम ग्रो नहीं कर रहा था, कौन सा वहां पर चल रहा था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी, ठीक है. तो इसलिए उसने बोला कि हाँ ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा इस्लाम का अपलिफ्टमेंट हो. The year 1904 was particularly bad one for Russian worker. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. 110,000 workers in St. Petersburg went on a strike demanding a reduction working day to night hours, increasing in wage and improvement in working condition. क्या हुआ था ना 1904 के टाइम पर, वर्कर की कंडीशन एकदम खराब हो गई थी, एकदम खराब हो गई. जो प्राइसेस था ना गुड्स का, तो सारे गुड्स को प्राइसेस को, ओवरऑल प्राइसेस, रियल वेजेस मतलब गुड्स के ओवरऑल प्राइसेस को 20% तक बढ़ा दिया गया था. हर चीज पर 20% बढ़ा दिया. तो मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. जब ऐसा किया तो लेनिन ने क्या बोला था अपने पार्टी में आने के लिए, भैया जिसको आना तो आ सकता है. तो क्या किया, वर्कर लोग जाकर मिलने लगा इससे, लेनिन के पार्टी में जाके मिलने लगा. तो मेंबरशिप बढ़ने लगा. व्हेन फोर मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर व्हिच had been formed in 1904 were dismissed at the Putilov iron work, चार रशियन वर्कर्स का एक असेंबली बना था 1904 में. जब वहां के चार मेंबर को हटा दिया गया था काम पर से, तब वहां पर लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया. तो 110,000 वर्कर ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक कर दिया, और उनका डिमांड था कि जो वर्किंग आवर है, इस वर्किंग आवर को कम किया जाए, लिमिट में किया जाए, और जो आपका वेजेस है उस वेजेस को इंक्रीज किया जाए. ये डिमांड था.
डिमांड याद रखना है, इस डिमांड के बेसिस पर लोगों ने स्ट्राइक किया था, वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, कहां? एसटी पीटर्सबर्ग में। When the procession of worker led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. लेकिन क्या हुआ? Bloody Sunday का कांड हो गया। Bloody Sunday क्या है? Sunday का दिन था, हो रहा था revolution पूरा जोर शोर से एकदम, और इस revolution को head कर रहा था Father Gapon। ये जो workers लोग के साथ unfair हो रहा है ना, strike जो चल रहा है ना, यही strike। तो इस strike को led कर रहा था तुम्हारा तुम्हारा नहीं sorry फादर गेपोन। जब ये लोग विंटर पैलेस पहुंचा, नदी थी, नदी के इस तरफ अमीर लोग रहते थे, इस तरफ गरीब वर्कर लोग रहते थे, तो इसी तरफ था आपका विंटर पैलेस तो होगा करता था, ठीक है। तो जब विंटर पैलेस तक पहुंचा फादर गेपोन का रिवॉल्यूशनरी लोग, तो उस पर क्या किया कि पुलिस ने हमला कर दिया और डाकू वगैरह सब ने हमला कर दिया और वहां के 100 वर्कर्स को मार दिया, 300 को जख्मी कर दिया, और इसी चीज को कहा गया ब्लडी संडे। ये जो घटना हुआ, मारपीट हो गया, आगे बढ़ा था रिवॉल्यूशन करने, मारपीट हो गया, तो इसको ब्लडी संडे नाम दे दिया गया। और 1905 का रिवॉल्यूशन भी इसी को कहा जाता है, 1905 का रिवॉल्यूशन, कि सारा जो रिवॉल्यूशनरीज था, जो वर्कर्स लोग था, सबको आ रहा था विंटर पैलेस की तरफ, बढ़ रहा था इधर से, और पुलिस ने क्या किया, उसको मारपीट के बराबर कर दिया, 100 लोग को मार दिया, 300 को जख्मी कर दिया। स्ट्राइक हर जगह पर होने लगा था कंट्री में, यूनिवर्सिटीज बंद हो गया, स्टूडेंट लोग सब इधर उधर भटकने लगा, लॉयर्स डॉक्टर इंजीनियर सब मिलकर अपना अपना यूनियन बनाने लगा, सब कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करने लगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सबका सब उतर गया। तो 1905 के टाइम पर जार ने फाइनली बोला कि ठीक है, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करो। जब इतना ज्यादा दंगा होने लगा, हर तरफ से वर्कर लोग बोलने लगा, इनफैक्ट स्टूडेंट लोग, लॉयर लोग, सब लोग उतर आया रोड पर, इतना होने के बाद जार निकोलस ने फाइनली बोला कि ठीक है, जो आपका पार्लियामेंट का डिमांड है वो हम पूरा करते हैं, तो पार्लियामेंट या फिर डूमा बोलो इस्टेब्लिश किया जाए। तो पहला पार्लियामेंट 5 डेज में ही खत्म हो गया, फिर दूसरा पार्लियामेंट बना, ये लगभग आपको 300 डेज समथिंग में, 3 मंथ में खत्म हो गया था, ठीक है, हाँ 3 मंथ में दूसरा भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जार ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, जितने भी लिबरल्स रेडिकल्स हैं, मतलब जो मेरे अगेंस्ट हैं, लिबरल्स और भी जो मेरे अगेंस्ट हैं, उनको इस डुमा से आउट कर देते हैं, और जितने भी मेरे सपोर्टर हैं लाइक कंजर्वेटिव्स वगैरह लोग, ठीक है, उन लोगों को पार्लियामेंट में एंट्री करा देते हैं, तो इससे पार्लियामेंट भी रहेगा, मेरी सरकार भी रहेगी, ये नीति जार ने अपनानी चाहिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो अब क्या हुआ, जब ऐसा पॉलिटिक्स अपनाया जार ने, तो फिर क्या हुआ, तो 1914 में वॉर हो गया दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की एक तरफ था, ठीक है, ये नीति अपनाया जार ने पार्लियामेंट में, वो हमने देख लिया। अब देखेंगे टॉपिक 2.5 जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, ठीक है। तो क्या हुआ कि दो यूरोपियन अलायंस था, एक ये यूरोपियन अलायंस, एक ये यूरोपियन अलायंस, इसमें जर्मनी था एक तरफ, ऑस्ट्रिया था आपका, और तुर्की था, ये सब था सेंट्रल पावर, ये मेन पावर था सेंट्रल पावर, और एक तरफ था आपके फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, फ्रांस ब्रिटेन और रशिया, बाद में इटली रोमानिया वगैरह भी जुड़ा था। तो ये था, इच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, अब सभी का भैया अच्छा खासा देश पे इम्पैक्ट चलता था, राज चलता था, एंड द वार वाज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो चूंकि सबका ग्लोबल इम्पैक्ट है, दुनिया भर में ये लोग जाना जाता है, ये सारा कंट्री, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, दुनिया भर में जाना जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सपो काम वगैरह भी यहाँ होता था, मार्केटिंग भी होता था। तो यहाँ लड़ाई हुआ तो बाकी जगह भी युद्ध स्टार्ट हो गया, तो यहाँ यूरोप के अंदर तो हो ही रहा था, अब यूरोप के बाहर भी होना शुरू हो गया, आउटसाइड यूरोप भी। और यही जो वॉर हुआ ना, यही वॉर को हम लोग, इसी वॉर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें एक तरफ सेंट्रल पावर था, एक तरफ बाकी अदर कंट्रीज था। दोनों ग्लोबल इम्पैक्ट था, इसलिए यूरोप में भी हो रहा था और उसके बाहर भी हो रहा था। रशिया में द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड ज़ार निकोलस टू। एज द वॉर कंटिन्यूड दो ज़ार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन द डूमा, सपोर्ट वर थिन, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रन हाई, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एज पेट्रोग्राड, ज़ारियन अलेक्जेंडर्स नेम जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली अमॉन्ग कॉल्ड रस्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। क्या हुआ, जब वॉर स्टार्ट हुआ तो जो ज़ार निकोलस था ना, ज़ार निकोलस, इसने पार्लियामेंट में मीटिंग करना बंद कर दिया। यानी कि पार्लियामेंट जो बना था, डूमा जो बना था, वो एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी ज़ार निकोलस की, लेकिन ज़ार ने उसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया वॉर के टाइम पर, तो पार्लियामेंट में जो लोग था वो भी इसके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, वो इसके अगेंस्ट हो गया, बोला कि ये नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पर रहें और हम लोग से ये ज़ार निकोलस हम लोग के साथ इन्फीरियर वाला काम कर रहा है। पार्लियामेंट के लोगों ने मान लिया, तो अब उसके अगेंस्ट हो गया। अगेंस्ट हो गया तो गुस्से में क्या किया कि सेंट पीटरबर्ग जो था ना, सेंट पीटरबर्ग का नाम चूंकि जर्मन था और जर्मन ओरिजिन वाले से नफरत करने लगा था पार्लियामेंट का लोग, जो भी वहां का रशिया का लोग था, सब जर्मन वाले से नफरत करने लगा था, तो इसी वजह से सेंट पीटरबर्ग का नाम चेंज कर पेट्रोग्राड कर दिया। जार की बीवी थी जर्मन की, जर्मनी की थी इसकी बीवी, और उसके कुछ साथी लोग भी थे, इसके कुछ खास मॉन्क लोग जो थे जिनको रेस्पुतिन कहा जाता है। ठीक है, रेस्पुतिन कहा जाता है, ये लोग भी भाग गया था बेचारा लोग, डर के मारे वहां से भाग गया, जिसकी वजह से और ज्यादा ज़ार निकोलस कमजोर पड़ गया। अब इसकी वाइफ को भी भगा दिया ये लोग और उसके एडवाइजरी को भी हटा दिया, तो और ज्यादा कमजोर हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो क्या होता है ना, कि पहले जो तुम्हारा ये है, ये वाला जो अलायंस है, रशिया जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की वाला, जो रशिया के अंडर में सारा, ठीक है, तो ये लोग पहले क्या था कि ये लोग पहले जीतता जाता था, ये लोग पहले वॉर विक्ट्री करता था, लेकिन जब अमेरिका का इसमें हस्तक्षेप होता था, जब अमेरिका आता था लड़ने, ठीक है, जब आता था लड़ने, तो क्या होता था, रशिया वाला पार्टी जीतता जाता था, कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, तो रशिया वाला पार्टी जब जीतता जाता था स्टार्टिंग में, ज़ार निकोलस का जीतता जाता था, ईस्टर्न फ्रंट पे भी जीत गया था। देखो इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जीत रहा था, क्या था, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर क्या हो रहा था, देखो वेस्ट में आर्मीज जो थी वो ट्रेंच में लड़ रही थी। ट्रेंच कहने का मतलब है जमीन, ये लैंड है ना, इस लैंड को डक करके इसके अंदर बैठ जाएगा और यहाँ ऊपर कवर कर देगा, यहाँ से फायरिंग करना शुरू कर देगा, तो आगे पीछे दोनों तरफ से तो घेरा गया, तो ट्रेंच में वो लोग लड़ रहा था वेस्ट साइड से अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फाउट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। तो वेस्ट में तो दोनों तरफ से दिक्कत में फंस गया ट्रेंच वाला, लेकिन ईस्ट में क्या हो रहा था, जीतते जा रहा था। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916, देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टीज बाय 1917। जब रशिया जीत हासिल कर रहा था, ठीक है, तो सडनली अमेरिका बीच में आ गया, अमेरिका आया तो फिर रशिया का बुरा टाइम वहां से शुरू हो गया। लगभग 7 मिलियन लोग को मार दिया गया था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ जो लड़ाई हुआ ना रशिया का 1914 और 1916 में, तो उसमें लगभग 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग मारे गए थे। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव। अब बदले में रशिया वाला क्या किया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाले का पूरा क्रॉप, पूरा फसल जला दिया। The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia, जिसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे ना, लगभग 30 लाख लोग वो लोग भाग के आ गया रशिया में। The situation discredited the government and the Tsar, soldiers did not fight, wish to fight such a war. अब ऐसा जो हो रहा था कि ये इसको, इसके वर्क, इसके सोल्जर को मार रहा है,
ये इसके पॉपुलेशन को मतलब इसके रहने वाले लोगों पर जुल्म कर रहा है, तो इसकी वजह से सोल्जर्स ने मना कर दिया कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सिवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा। रशिया का जो अपना इंडस्ट्री था ना कुछ ही था, और मेन सप्लाई इसका होता था जर्मनी से, तो जर्मनी से तो ये लड़ाई ही कर रहा, तो क्या जर्मनी उसको देगा? नहीं देगा, तो जर्मनी ने सप्लाई बंद कर दिया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। तो 1960 के टाइम पर रेलवे वगैरह भी टूटने लगा। अब चूंकि सप्लाई खत्म कर दिया तो क्या करेगा, लोग गुस्सा में हो गया था, गुस्सा आ गया था लोगों को, तो गुस्से में लोगों ने रेलवे पटरी तोड़ दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स। बाय द विंटर ऑफ 1960 राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। देखो क्या हुआ, जब वार होने लगा तो वार का इम्पैक्ट पड़ने लगा कि वो उसका इतना लोग मर गया, तो बदले में ये भी इसका पूरा जला दिया, इतना लोग भाग के आ गया। तो ये जो सिस्टम चलने लगा था ना, बहुत ज्यादा मार काट का चलने लगा था। तो सोल्जर्स लोग जो था, सोल्जर्स लोग ने बोला आर्मी ने कि अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जब इसने ऐसा बोला कि नहीं लड़ेंगे, सोल्जर्स ने मना कर दिया, तो जार ने क्या किया ना कि रशिया में जो भी लोग, जो भी लेबर में लोग एकदम फिट फाट थे ना, लड़ने के लिए काबिल थे ना, उन लोगों को बुला लिया, वार फ्रंट पर लड़वाने के लिए। जब वार फ्रंट पर बुला लिया तो मार्केट में अब लेबर मार्केट से ही ना उठाएगा, तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज हो गया तो फिर प्रोड्यूस कौन करेगा, खाना वगैरह प्रोडक्शन कौन करेगा, वहां शॉर्टेज हो गया। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर फूड का शॉर्टेज होगा तो प्राइस हाई हो जाएगा, ठीक है? तो फूड का शॉर्टेज हुआ, प्राइस हाई हो गया, और जब मेन लोग जाता था ना लड़ने के लिए, तो वोमेन लोग ये सब संभालती थी काम वगैरह। तो जब ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा राइट होने लगा वहां के शॉप्स वगैरह में। पहला तो लेबर का शॉर्टेज हो गया, दूसरा यहाँ जो भी प्रोड्यूस होता था ना उसमें मैक्सिमम खाना चल जाता था आर्मी को फीड करने में, आर्मी को खाना चल जाता था मैक्सिमम। तो पहला फैक्टर तो लेबर की कमी, दूसरा आर्मी को चल जाता खाना, तो यहाँ पर बचेगा क्या खाना? तो खाना नहीं था, तो लोगों लड़ना शुरू कर दिया खाने की वजह से। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वार का इम्पैक्ट ये पड़ा लोगों पर कि कैजुअलिटीज भी हुई लोगों को, उसके ऊपर से वेल्थ भी लोगों का खत्म हो गया, उसके ऊपर से लोगों का इंडस्ट्रीज भी खत्म हो गया, और फिर क्या हुआ कि लोग खाने खाने के लिए तरस गया। तो यही था पूरा चैप्टर, जार कैसे संभाला नहीं संभाला, बर्बादी के मोड़ पर ला दिया अपने ही जो। अब देखो अगर वो डूमा को सपोर्ट करता, डूमा में जाकर मीटिंग करता, तो ये लोग सपोर्ट करता ना उसको, सपोर्ट करता तो जीतता। लेकिन वो क्या बोला कि नहीं हम अपने पॉलिसी पर रहेंगे, जार बोला हम अपने पॉलिसी पर रहेंगे, नहीं बात करेंगे लोग से। तो डूमा भी, डूमा इसके अगेंस्ट हो गया। अब जार के हाथ से रशिया भी गया और उसकी वाइफ को भी मार दिया, सब इसके एडवाइजरी बॉडी को भी मार दिया। तो इस वजह से जार पूरा का पूरा कमजोर हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर, होप समझ में आ गया हो अच्छे से एकदम। अब नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि सेंट पीटरबर्ग जो नाम पड़ा, तो सेंट पीटरबर्ग से हम लोग क्या देखे थे कि जर्मन लोग एक तरफ था ना, जर्मन था, ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, और एक तरफ कौन था आपका, फ्रांस था आपका, ब्रिटेन था और रशिया था। तो रशिया, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है? तो रशिया में जो लोग थे, तो जर्मन चूंकि इन लोग के लोग बहुत मार रहा था इन लोगों के सोल्जर को, तो यहाँ का जो जर्मन था ना रहने वाला, मतलब यहाँ ये जो सेंट पीटर्सबर्ग था ये जर्मन नाम था, ठीक है? तो रशिया का जो रहने वाला लोग थे ना, जो जर्मन से नफरत करने लगा, और नफरत के वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया, चेंज करके पेट्रोग्रैड नाम रख दिया। बेचारे जार की बीवी भी जर्मन की थी, उसको भी इस चीज का पनिशमेंट भुगतना पड़ा, जर्मन के होने के वजह से उसको भी काफी ज्यादा पनिशमेंट फेस करना पड़ा। तो होप समझ में आ गया हो कैसे सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।